Uh, with reference to the trends and issues in early childhood education, we are discussing the moral stages of our child. So at stage 1, there is physical survival, self and obedience. So we will see that at early age, physical survival is the most important phenomena in our child. People at this stage mostly emphasis entirely on their physical survival and safety needs. अब मैं जैसे अर्ज करी थी कि बच्चा जब बहुत छोटा है तो सबसे पहले उसको अपने सर्वाइवल की ज़रूरत है वो समझता है कि उसने अपनी जान बचानी है ख़ुद को उसने बचाना है और अभी उसको दूसरों की परवाह ना है ना उसको ये पता है कि भाई आ, कुर्बानी कैसे देते हैं या मुश्किल में पढ़ के दूसरों की मदद कैसे की जाती है आ, ये सब बातें उसको नहीं पता अभी उसको ये पता है कि मुझे कोई तकलीफ ना पहुँचे और मैं किसी चीज़ को फेस ना करूं, किसी मुश्किल को फ़ेस ना करूं, और मेरी जान को कोई ख़तरा ना हो सो दे टेंड टू प्लेस मोर एम्फोसिस ऑन मटीरियलिस्टिक एंड लोअर नीड्स रादर देन स्पिरिचुअल और हायर नीड्स अब देखिए दो बच्चे किसी एक खिलौने पे ही लड़ पड़ते हैं हर किसी को वो खिलौना चाहिए वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि दूसरे को देने से उसको खुशी महसूस हो सकती है और उस खुशी के बदले वो भी खुश हो सकते हैं या उसका कोई और फ़ायदा भी हो सकता है अभी वो समझते हैं कि ये खिलौना मेरे लिए है मुझे मिलना चाहिए दे आर क्वाइट मटीरियलिस्टिक अभी उनको किसी रूहानी या कोई और ऐसी थाट का नहीं पता जो बाद में उनके लिए फ़ायदा होगी तो जो उनको चीज़ें नज़र आ रही है उसमें से वो अपने लिए बेहतर चूज करते हैं दे स्ट्रगल फॉर फूड वाटर सेक्शुअल सेटिसफेक्शन एक्सेट्रा तो जो बच्चे अभी अखलाकियात की कि हद को नहीं छू रहे ज़्यादा छोटे हैं उनके लिए उनकी जो बुनियादी ज़रूरिया हैं जैसे खाना है पीना है सोना है या और कोई ऐसी ज़रूरत वो उनके लिए ज़्यादा जरूरी है बनस्बत कोई ऐसी रूहानी या अखलाक बात के जिसके बाद में उनको नतज पता चले सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह के छोटे बच्चे जो अभी तीन साल से भी कम हैं या तीन साल के आसपास हैं वो सेल्फिश होते हैं हम इनको कहते हैं ये ईगो सेंट्रिक हैं अभी इनको अपने अलावा कुछ कोई दिखता नहीं आप देखिए हर मामले में वो बल्कि हैरान होते हैं कि लोग किस तरह से उनसे अलग सोच सकते हैं अगर मैं किसी दुकान पे गया हूँ तो जो टॉय मुझे नजर आ रहा है वो मेरा है मैं उसको उठा रहा हूँ तो लोग मुझे मना क्यों कर रहे हैं जबकि ये सब चीज़ें मेरी हैं इसी तरह वो हर खाने पे हर अच्छी चीज़ पे जो उसको पसंद है उसके ऊपर कोई दूसरी राय सुनना पसंद नहीं करेगा सो इन दिस स्टेज पीपल सीक पर्सनल प्लेयर फन हैप्पीनस एंड कम्फर्ट वेरी ऑफन एट दी एक्सपेंस ऑफ अदर्स वो दूसरे को मार के पीट के धक्का दे के भी खिलौना ले लेगा क्योंकि उस वक्त उसकी अहमियत उसके लिए खिलौने की ज़्यादा है बनस्बत किसी और इंसान या उसकी खुशी की या उसकी भलाई के दूसरा ये है कि यहाँ पर अखलाकियात का जो मैार है वो है ओबीडियंस यानि उसको पता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे जो टीचर है या जो भी मुझसे बड़ा है सिबलिंग है कोई बहन भाई है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और ये कि मुझे उसकी बात माननी है सो पीपल एट दिस स्टेज ओबे ब्लाइंडली ब्लाइंट द अथॉरिटी कमांड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट जो बड़े कह देंगे उनको वही करना है क्योंकि उनको तो सजा से बचना है उनको पता है कि ये काम जो है ये करने से मुझे थप्पड़ पड़ सकता है या मुझे कोई डांट देगा तो वो नहीं करेंगे यानी उनकी वाहिद ने कि यह है कि वो बड़ों का कहना माने और वो इसलिए नहीं मानते कि वो बड़े हैं ये कोई अखलाक बात है कि भाई बड़ों का कहना मानना है बल्कि इसलिए वो मानते हैं कि उनको लगता है कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो बुरा मान सकते हैं या किसी रिवॉर्ड से उनको महरूम कर सकते हैं अगर वो उनका कहना नहीं मानते सो so, यहाँ पे क्या थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तीन से पांच साल में यूनि लेटरल रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स तो ये है कि उसको अपने दायरा कार में सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा ख्याल अपने पेरेंट्स का आता है वहाँ भी वो बच्चा अभी पाँच साल का ही है सॉरी पांच महीने का ही है तो आप उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी माँ है या उसका बाप है उसको कोई नुकसान पहुँचाएंगे तो बड़ी हैरत से आपको देखेगा कि ये इसको ऐसा क्यों टच कर रहा है कि ये फिगर तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है डेढ़ साल का दो साल का वो बोलना शुरू करता है तो वो लोगों को अपनी माँ को ओन नहीं करने देता अगर आप कभी दूसरा कोई बच्चा कहते हैं कि ये मेरी माँ है तो कहते नहीं ये मेरी माँ है वो इस तरह की ओनरशिप नहीं दे सकता क्योंकि उसको पता है कि मेरा फ़ायदा या मेरी केयरगिवर मेरी माँ ही है या मेरा बाप ही है तो उनको किसी सूरत में वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस uh, नहीं कर सकता देन एमानेंट जस्टिस एमानेंट जस्टिस ये है कि भाई ऐसा जस्टिस जो के जब क्रिएट होता है यानी जब आप उसको शुरू करते हैं तो आप किसी और चीज़ को देखने की बजाय यही देखते हैं कि क्या मैं इसमें मुश्किल में तो नहीं पड़ जाऊँगा और ये कि इस तरह करने से सब ठीक रहेगा कोई ऐसी सिचुएशन मुझे पैदा नहीं करनी चाहिए जो मेरे लिए मुश्किल का बाइस हो तो जो चीज़ें दूसरों को ठीक लग रही हैं नॉम के मुताबिक हैं वो आपको अच्छी लगती हैं तो बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिसको दूसरे पसंद कर रहे हों और उससे बचने की कोशिश करते हैं जिसको लोग नापसंद कर रहे हों